इस बार हम जा रहे हैं जयपुर। यहाँ पे शादी है आज पंकज भाई की। सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। इस बार हम जा रहे हैं जयपुर। अभी हम पहुँचे साकेत मेट्रो, इसके बाद हम जा रहे हैं इफ्को चौक मेट्रो से, वहाँ से बैठेंगे रोडवेज में। तो वहाँ पहुँच के दिखाते हैं आपको कैसे जाना है आगे। क्यों पंकज भाई? ठीक है, पंकज भाई ने ही बताया इफ्को चौक से मिलेगी हमें रोडवेज। आपकी देखते हैं, कंफर्म करते हैं वहाँ पहुँच के। चलो हम बैठ गए हैं पंजाब रोडवेज में, जो कि हमने लिया है इफ्को चौक से। इसका किराया है 290 रुपये। हाँ पर पर्सन है ना। पंकज भाई अपना रेस्ट करते हुए अब यहाँ से पहुँचते हैं हम सीधे जयपुर, उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे। ये अपनी पंजाब रोडवेज। चलो गाइस मिलते हैं जयपुर पे। दो चाहिए, दो खाने का सिंधी कैंप बस स्टैंड। हाँ सिंधी कैंप बस स्टैंड जयपुर में। हाँ जी बगैर बेटा दो। सो गाइस हम पहुंच गए यहाँ पे जयपुर दिल्ली के मिड में निमराना। ये रोडवेज का शायद यहीं पे रुकती होगी। ये खाना वाना घटिया है, मत खाना। और बाकी अब देखते हैं, यहाँ से 140 किलोमीटर दिखा रहा है। वहाँ पहुंच के जयपुर पहुंच के आपको दिखाते हैं जयपुर का बस स्टैंड का थोड़ा व्यू। चलो ठीक है गाइस। फाइनली हम पहुंच गए जयपुर। 8 बजे पहुंच गए हम, वहाँ से 3 बजे निकले थे, तो 5 घंटे में रोडवेज में पहुंच ही गए। आते का गिरते पड़ते पहुंचे भाई साहब, पूरा शरीर टूट जाता है रोडवेज। अब बस थोड़ा पैक कराते हैं खाना वाना और फिर मिलते हैं आपको होटल पे। चलो मिलते हैं होटल पे। हमारे जो रुकी है कबाब तैयार यहाँ हो रहे हैं चंगे जी, हमारे ऑलरेडी पैक हो गए हैं। सो यार कल आए थे, काफ़ी थक गए थे, आपको पता है रोडवेज का सफ़र। तो फिर आते ही सो गए हम। आपको हमने फेयर तो बता ही दिया था कितना फेयर लगता है आने जाने का अपना। बाकी आज अपना ऑडिट है इसमें दलालित में, तो वहाँ पहुँच के मिलते हैं आपसे दलालित। और फिर उसके आगे सोचा है थोड़ा अमीरपुर जाने का, तो देखते हैं फिर क्या रहता है आज का। गाइस फाइनली पहुंच गए हैं ललित। तो अब मैं, मेरा ऑडिट है थोड़ा, तो ऑडिट में तो फ़ोन अलाउड नहीं होगा, तो शायद दिखा नहीं पाऊँगा कुछ, तो इसलिए मैं आपको ऑडिट के बाद ही मिलता हूँ। बाकी यहाँ के थोड़े व्यूज़ दिखाएंगे ललित के अपना। ठीक है सो गाइस ऑडिट तो अपना ख़त्म हो गया है, पर काफ़ी अच्छा ऑडिट गया। तो अब चलते हैं थोड़ा पूल साइड, थोड़ा मज़े करते हैं उधर। क्यों पंकज भाई आप जाओगे पूल में? नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा। क्यों दिखाओ? चलो यार आप भी। नहीं भाई मेरे को थोड़ा कोल्ड है तो मैं तो जाऊँगा नहीं, आप जाइए। अच्छा काफ़ी अच्छा है मतलब, बढ़िया लीना ना, ये अच्छी जगह ऑडिट कराया कंपनी ने। ये दोनों भाई हैं। सो गाइस ये है ललित का पूल, जो कि इसके क्लास के हिसाब से बहुत ही घटिया है, मज़ा नहीं आया इसके पूल में। बाकी चेयर का कंफर्ट देख लेते हैं एक बार। ठीक है पर पूल
बेकार है, पूल में मजा नहीं आया यार। तो यार सोच रहा हूँ थोड़ा स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर ही लेते हैं यार, क्योंकि थकावट है जो एक सेकंड में निकल जाएगी वो सारी। बाकी पूल तो थोड़ा छोटा ही है, जाते हैं अंदर यार, मन कर रहा है। हैं क्या पंकज भाई, क्या कह रहे हो? तो बोल रहे हैं आपको आइडिया देते हैं। हाँ पूल का भी। अच्छा पूल तो मतलब लिख रहा है इधर 4.5 फीट, बाकी जाते हैं अंदर देखते हैं थोड़ा, है ना। चलो गाइस अब थोड़ा लंच कर लेते हैं इधर, और लंच करके फिर जाना है अपने होटल पे ही, तो मिलते हैं आपको होटल पे ही मिलते हैं फिर यार, अब थक गए काफ़ी। तो चलो डिनर करते हैं है ना। सर यहाँ पे शादी है आज पंकज भाई की। शादी में आएंगे, आना भाई जरूर पंकज भाई की शादी। चलो आइए चलते हैं यार।